गाइज, आज के ज़माने में मेंस ग्रूमिंग बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो चुकी है, एंड स्टिल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं वो है असेंशियल्स। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेंस असेंशियल ग्रूमिंग की, ताकि आप ऑन पॉइंट दिख सकें एंड अपने सेक्सीनेस के लेवल को बढ़ा सकें। एंड गाइज, दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय ट्रेल। तो आज की वीडियो में जितने भी प्रोडक्ट आपको बताऊंगा उसमें से ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट्स आपको ट्रेल ऐप पर मिल जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सारे प्रोडक्ट का मैंने लिंक दे रखा है एंड उस पर अच्छा खासा डिस्काउंट भी चल रहा है, तो आप उन प्रोडक्ट्स को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से चेकआउट कर सकते हैं। नंबर वन इज अ स्टैंडर्ड सेंट। गाइस, सेंट एक ऐसी चीज़ है जो कि दिखती नहीं है, बट ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, एंड एक स्टैंडर्ड सेंट आपके सेक्सीनेस के लेवल को बढ़ा सकता है। एंड इसके अंदर मेरी पर्सनल चॉइस है बियर्डो विस्की स्मोक, जिसकी की स्मेल बहुत ही ज़्यादा सेक्सी है। अगर आप किसी डेट पर जा रहे हैं, अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हैं, तो आप बियर्डो विस्की स्मोक की तरफ जा सकते हैं। इसके जो नोट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मैस्कुलिन है, एंड गाइस ये EDP है, तो इसकी स्मेल भी काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। तो ये आपको ट्रायल ऐप पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक ऐड कर रखा है। नंबर टू इज शैम्पू एंड कंडीशनर। गाइस, शैम्पू एंड कंडीशनर हमारे डेली रूटीन का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इनमें सल्फेट्स एंड पैराबेन जैसे हार्मफुल केमिकल्स नहीं होने चाहिए, ताकि आपके हेयर डैमेज ना हो। एंड दैट्स व्हाई माय पर्सनल रिकमेंडेशन इज वाओ स्किन साइंस एप्पल साइडर विनेगर शैम्पू, जिसमें कि दोस्तों पैराबेंस भी नहीं है, सल्फेट्स भी नहीं है एंड सिलिकॉन्स भी नहीं है। प्लस ये हमारे DHT को भी ब्लॉक करता है, जिससे कि हमारा हेयर फॉल रिड्यूस होता है। एंड गाइस, आजकल मैं ये खुद भी यही वाला शैम्पू यूज़ करता हूँ एंड ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। एंड गाइस, फॉर कंडीशनर आई यूज़ वाओ स्किन साइंस हेयर कंडीशनर, जिसमें कि है ऑर्गेनिक वर्जिन कोकोनट ऑयल एंड एवोकाडो ऑयल। ये हर हेयर टाइप पर सूट कर जाता है, एंड अगेन ये भी सल्फेट्स पैराबेंस एंड अदर हार्मफुल केमिकल फ्री हैं। तो वाओ स्किन साइंस के इन शैम्पू एंड कंडीशनर को भी आप ट्रायल ऐप पे चेकआउट कर सकते हैं। नंबर थ्री इज एन अंडर आई क्रीम। गाइस, अंडर आई क्रीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आजकल हम में से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनकी की नींद पूरी नहीं हो पाती, अपने लाइफस्टाइल की वजह से हमें क्वालिटी स्लीप नहीं मिल पाती, ऐसे में डार्क सर्कल्स एंड अदर प्रॉब्लम्स होना स्वाभाविक है। तो ऐसे में आप अंडर आई क्रीम का यूज़ कर सकते हैं। आई एम यूजिंग दिस सोल फ्लोवर अंडर आई क्रीम। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसकी खुशबू काफ़ी ज़्यादा शानदार है एंड इसके रिजल्ट भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, एंड ये भी एक नेचुरल केमिकल फ्री प्रोडक्ट है। अगेन, इसका लिंक भी मैंने दे रखा है, आप चाहे तो वहां से इसको चेकआउट कर सकते हैं। नंबर फोर इज अ माउथ वॉश। एंड बैड ब्रीथ की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वजह होती है हमारे टंग पे बैठे हुए बैक्टीरियाज, हमारे टंग पे जो वाइट फिल्म जमी होती है उसकी वजह से हमें बैड ब्रीथ की प्रॉब्लम होती है। तो फर्स्ट तो आपको अपने टंग को क्लीन रखना है, ब्रश करते टाइम पे आपको अपने टंग को भी अच्छे से क्लीन रखना है। एंड इसके अलावा आप एक माउथ वॉश का यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपको एक फ्रेश ब्रेथ दिलाने में हेल्प करेगा। नंबर फाइव इज अ सनस्क्रीन। गाइस, आप किसी भी बड़े इन्फ्लुएंसर का वीडियो देख लो, चाहे आप टीचिंग मेंस फैशन देख लो, चाहे आप एलेक्स कोस्टा को देख लो, चाहे आप रणवीर अलाहाबादे को देख लो, सबके हिसाब से स्किन केयर के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है वो है एक सनस्क्रीन। सनस्क्रीन जो होती है वो हमें UVA एंड UVB रेज से प्रोटेक्ट करती हैं, ताकि हमें स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स ना हो। एंड इसके अंदर मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है वाओ स्किन साइंस की सनस्क्रीन। गाइस, ये है SPF 55। SPF 55 का मतलब है कि आपको इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रोटेक्शन मिल जाएगा। SPF 30 हमारे स्किन के लिए इनफ है, लेकिन अगर ज़्यादा हमें प्रोटेक्शन मिल रहा है तो वो अच्छी बात है। एंड ज़्यादातर सनस्क्रीन जो कि SPF 50 या SPF 50 से प्लस होती हैं, उनका जो टेक्सचर होता है वो अच्छा नहीं होता, एंड उसको अप्लाई करने से हमारे स्किन पे एक वाइटनेस रह जाती है। बट गाइस, वाओ स्किन साइंस की ये जो सनस्क्रीन है उसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये इजिली हमारे स्किन में अब्जॉर्ब हो जाती है, तो इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। नंबर सिक्स इज नेल हाइजीन। गाइस, नेल हाइजीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे नेल्स को ट्रिम करना, हमारे नेल की ग्रूमिंग का ख्याल रखना, क्योंकि दोस्तों डर्टी एंड ग्रोसी नेल्स किसी को भी अच्छे नहीं लगते, तो अपने नेल्स का खास ख्याल रखें। एक तो इनको टाइम टाइम पे कट करते रहें, एक दूसरा है कि अगर ये थोड़े से बड़े भी हैं तो उसमें आप गंदगी ना रखें, एंड तीसरी चीज़ अगर नेल्स के बाद अपनी थोड़ी थोड़ी चमड़ी निकल जाती है ना, तो इसको भी आप मैनेज करें। एंड फाइनली नंबर सेवन इज अ विटामिन सी सीरम। गाइस, विटामिन सी सीरम इज अ गेम चेंजर। गाइस, विटामिन सी सीरम को आपको यूज़ करना है नाइट में। दोस्तों, विटामिन सी सीरम के हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फायदे हैं। मेरा जो स्किन टाइप है वो एक ड्राई स्किन टाइप है, तो अगर मैं रात को विटामिन सी सीरम अपने स्किन पर लगाता हूँ तो उससे मॉर्निंग में मेरी स्किन डल नहीं लगती एंड मुझे मेरे स्किन पर एक अमेजिंग ग्लो देखने को मिलता है। तो आप एक विटामिन सी सीरम यूज़ करें, एंड इसका भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप चाहे तो वहाँ से ट्रायल ऐप से विटामिन सी सीरम को चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइज, आई होप आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।
अगर आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, एंड साथ ही फैशन ग्रूमिंग लाइफस्टाइल की सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट वीडियोस पाने के लिए दोस्तों हमारे चैनल फैशन निक को सब्सक्राइब जरूर करें, एंड साथ ही ट्रेल ऐप को चेकआउट जरूर करें क्योंकि उस पर बहुत ही अमेजिंग ऑफर्स चल रहे हैं एंड आपको अच्छे खासे डिस्काउंट में अपने फेवरेट प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। सो गाइस गो एंड चेकआउट। बहुत जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे स्टाइलिश एंड कीप स्माइलिंग।